हेलो गाइस, वेलकम टू वकास मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में मजीद लैंग्वेजेस या जबानें ऐड करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने जनरल सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने लैंग्वेजेस में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ताजिक, ठीक है। और इसका कोड मैं लिख लेता हूँ पीजे और कंट्री कोड टीजे के, ठीक है। ये हमारे पास लैंग्वेजेस में नहीं है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ तो हमारे पास एक लैंग्वेज ऐड हो चुकी है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमने अभी लैंग्वेज जो ऐड किया है वो ताजिक है, ठीक है। जब इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है, ये एक्टिव हो गई हमारी लैंग्वेज, ठीक है। और इसको एक्टिवेट करने के बाद, ठीक है, हम एक्टिव इसको कर लेते हैं, हमारी लैंग्वेज ये एक्टिव है, ठीक है। जैसे आप एक्टिव कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो अभी तक इंग्लिश ही है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैं डैशबोर्ड पर चल गया तो देखें सर तमाम डेटा जो है वो इंग्लिश में है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए आपने इसके जो फ्रेजेस हैं उनको चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह की फ्रंट ऑफिस लिखा हुआ है जो आपकी जबान में होगा, फ्रंट ऑफिस को क्या कहते हैं वो लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो उसको अपने जो फ्रेजेस हैं वो लिखेंगे। तो उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप खुद टाइप करना चाहते हैं तो उस वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने अपनी लैंग्वेज को सबसे पहले विंडो में अपनी लैंग्वेज का जो कीबोर्ड है उसको ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है, टाइम एंड लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज में जाना है और यहाँ पर आपने ऐड प्रेफर लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है, आप जो भी आपको चाहिए तो आप वहाँ से सर्च करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह की ताजिक है, इसको आप क्लिक करें, नेक्स्ट करें तो आपके पास इंटरनेट होगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी और आपके पास लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जिस तरह की मैंने उर्दू को ऐड किया, इस तरह आप लैंग्वेज को ऐड कर लेंगे। जैसे लैंग्वेज ऐड हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर लैंग्वेज का जो आइकन है वो आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से फिर अपनी लैंग्वेज को चूज़ करना है, ठीक है। जिस तरह की मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, या आप विंडो की प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। उसके बाद आपने जाना है आपका जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल है एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर आपके पास लैंग्वेजेस का फोल्डर है, ठीक है। और जो लैंग्वेज आपने अभी ऐड की पर आपके पास होगी, ठीक है, उसका फोल्डर यहाँ पर एक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए हमने जो लैंग्वेज क्रिएट की थी ताजिक, ये हमारे पास आ गई। इसके अलावा आप इसको फोल्डर में जाने के बाद एप्स अंडरस्कोर फाइल्स के फोल्डर के अंदर एक PHP की फाइल है, इसको आपने एडिट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने अपने फ्रेजेस जो हैं उसको चेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एकेडमिक लिखे हुए यहाँ पर मैं उर्दू में कुछ टाइप कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जैसे मैं अपने पेज को रीलोड करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए हमारे पास वो जो हमने टाइप किया था वो हमारे पास इधर आ चुका है, ठीक है। अब बाकी फ्रेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मजीद कुछ फ्रेजेस में इसमें चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट ऑफिस को चेंज कर लेता हूँ, फ्रंट ऑफिस ये है हमारे पास, ठीक है, ये फ्रंट ऑफिस। इसको मैं यहाँ पर डिलीट करके नया फ्रेज जो होगा अपना वो ऐड करना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जैसे अपने पेज को रीलोड करेंगे तो वहाँ पर
जो आपने फ्रेज लिखा था वो आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको उर्दू में लिख लेता हूँ। अब मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे वो फ्रेज वहां पर आ चुका होगा। ठीक है, ये तमाम जो फ्रेजेस हैं आपने इसको एक एक चेंज करने के बाद आपका जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको जहाँ से कॉपी किया गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट किया, वहाँ से उसको जो ट्रांसलेट करेगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे। इसी तरह आपने ये जो 1312 लाइन्स हैं या 1312 फ्रेजेस हैं इनको चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपका जो लैंग्वेज है वो उसमें ऐड हो जाएगी, आप उस लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। इसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस जो हैं उनमें कोई इशू है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लैंग्वेजेस में, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उर्दू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारी जो एक्टिव लैंग्वेज है वो उसको मैं उर्दू कर लेता हूँ। अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो उर्दू में चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर मिस है, इस तरह बाकी कुछ चीज़ें ये देखिए मिस है, यहाँ पर कुछ नहीं शो रहा। तो आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसी लैंग्वेज के फोल्डर में जाएंगे और जो भी आपकी लैंग्वेज हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, और यहाँ पर आप ऐप फाइल में जाएंगे और सिस्टम लैंग में आप इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेना है। और जहाँ पर देखेंगे आप जिस तरह स्टूडेंट एब्सेंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने लैंग्वेज उसी तरह ऐड करके यहाँ पर स्टूडेंट जो गैर हाजिर या जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसमें जो कुछ फ्रेजेस मिस हैं तो वो तभी वहाँ पर शो नहीं हो, आपने इन तमाम को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जब आप पेज को रीलोड करेंगे तो आपका तमाम चीज़ें जो हैं जो मिस होंगी वो आपके पास आ जाएंगी।